गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरा स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के बिहेवियर में मेजर चेंजेस आए हैं। कुछ ना कुछ आपको उनके एक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे कि कुछ चीजें हैं जो छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, किसी चीज के कारण वो आपके से अटैच होना, जिसे कहते हैं ना अटैचमेंट उनका थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो वो चीज ऐसी क्या है कि जो कि आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर रही है। तो देखते हैं कार्ड से कहते हैं आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के थॉट्स के बारे में, आपके पार्टनर के थॉट्स कहते हैं वो आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, या ऐसी क्या चीजें हैं जो कि वो आपसे अलग कर रही है या दूर कर रही है। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। रीडिंग जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतने क्लेम करने, क्योंकि जनरल कार्ड टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, जबरदस्ती रीडिंग को क्लेम करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है रीडिंग में तो आप मुझसे डायरेक्टली अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहेगी, ठीक है। उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। तो आप हमसे एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जो कि आपके जैसे कि मेरे पास सारे कस्टमाइज क्रिस्टल्स रहते हैं, जैसे आप लव लाइफ को लेकर या किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का स्पेल किया है, आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ब्यूटी के लिए, वेट लूज के लिए, हर तरीके के क्रिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल है। जो आप लेना चाहते हैं आज ही आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। और यदि आप हमारे साथ हमारी तरह टैरो रीडिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं या आप टैरो एक प्रोफेशनल लेके जाते हैं, टैरो को लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली मुझे एनरोलमेंट के लिए आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर है 9540466। चलिए मैं जब तक कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में, वो क्वेश्चन मन में लेके रहे, ताकि रीडिंग आपसे प्रॉपर वे में रेजोनेट हो पाए। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के करंट थॉट्स के बारे में बताइए कि वो उनको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो चाहते हैं उनसे। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास निकला है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, या आपके साथ जितना टाइम आपके साथ रहे थे सिर्फ एक टाइम पास था। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, कहीं ना कहीं जो आपने सपने देखे थे ना, आपको वैसे लग रहा है कि सपने कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कि आपने जितना इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में, कि आप इस इंसान से इतना प्यार करते थे, वो सब प्यार आपको ऐसा लगता है खत्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेज। ये इंसान ना अपने डिसीजंस अपने आप नहीं ले पाता है, इसको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए। कहने के डिपेंडेंसी इसके ऊपर हावी रहती है, अपने डिसीजन मेकिंग पावर इसकी बहुत वीक है कहीं ना कहीं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। यदि आप किसी एक मैरिड रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं कि आपके पार्टनर जो आपके हस्बैंड हैं, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, अपनी फैमिली की ज्यादा सुनते हैं, अपनी फैमिली के डिसीजंस को ऊपर रखते हैं, जिसके कारण आप, हो सकता है आपके बीच में कुछ क्लेशेस चल रहे हो सकता है आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या सेपरेशन चल रहा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आपके रिलेशनशिप में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान से बार बार प्यार की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनसे चाहते हो कि आपको टाइम दे, केयर करे, कहने का, बल्कि वो चीज हो नहीं रही, जिसके कारण आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नाइन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकली, आप बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक दम घुटना किसी एक रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आ पा रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में है तो वहां पे भी किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट इसकी लाइफ में, लेडी मुझे 90% दिखाई दे रहा है कि इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कि आप इस इंसान से शादी करना चाहते हैं लेकिन आप इसकी फैमिली कहीं ना कहीं चाहती कि आप दोनों की शादी ना हो। नेक्स्ट कार्ड निकले फाइव ऑफ वैंड्स का। हो सकता है आपके बीच में काफी लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं इन चीजों को लेकर। द फूल की एनर्जी निकली है, कहीं ना कहीं ये इंसान, जिसे कहते हैं टोटली डिपेंडेंट है आज के डेट में, जो डिसीजन लेना है शादी का या साथ रहने का या कुछ भी डिसीजन ऐसा है, ये टोटली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर। कार्ड निकला सामने एट ऑफ कप्स का। आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप का एंड है, कहीं ना खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप आपको, क्योंकि ये इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी निकला, जो कि शो करता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दबी पड़ी हैं जो कि ये निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मैंने कहा ना डिपेंडेंट है।
ये अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं इसको किसी एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि इसे प्रोवोक कर सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक सही राह पे जाने के लिए, रादर देन कि अपनी फैमिली से कुछ डिसीजन ले। कोई से ऐसा बंदा चाहिए जो कि इसकी आंखें खोल सके, इसके अवेक कर सके कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीनी है, जो तुम्हें अपने डिसीजन अपने आप लेने हैं। कोई एक सही राह पे इसको लेके जाना चाहता है, कोई कोई मतलब कोई पर्सन होना चाहिए, लाइक आप भी हो चाहे कोई मर्जी हो, कोई पर्सन इसको चाहिए जो कि इसको सही ट्रैक पर लेकर आए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली जो कि शो करता है कि इसके खास तौर से अब मैं 100% श्योर हूँ, यदि आपके यदि एक मैरिड रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं इनकी मदर का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ वो ही नहीं चाहती कि और आप दोनों साथ में रहो, यदि आप लिव इन में हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इनकी मदर बीच में अड़चन बन रही है। कार्ड निकला आपका एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये इंसान कहीं ना कहीं जानते अपने ही थॉट, इसको इस तरीके से इसको ऊपर स्पेल किया गया है कि ये अपने ही थॉट्स में घूमता रहेगा, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं देगा कहीं ना कहीं चीजों को लेकर, क्योंकि जब तक वो स्पेल जो इसके मदर का जो इन्फ्लुएंस है, जब तक जो ब्रेन वॉश डेली बेसिस पे किया जाता है इसको आपसे डिटैच करने के, जब तक वो चीज नहीं हटेगी ये इंसान आपके पास आपको क्लैरिटी नहीं देगा, आपका रिलेशनशिप ऐसे जिगजैग की तरह चलता रहेगा, फ्लो में नहीं चलेगा। इसके लिए उसके ऊपर से नेगेटिविटी हटना बहुत जरूरी है। बट नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं बहुत जल्द सही होने वाली है एंड यू विल हैव ए वेरी गुड फैमिली। नेक्स्ट लास्ट कार्ड में पे निकला है आपका 10 ऑफ कप्स का। यदि आप मैं करूँ अभी सिचुएशन आपकी ऐसे चल रही है जहां पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को पाने के लिए, लेकिन ये स्ट्रगल एक छोटे फेज का है, वो फेज आपको निकालना है बस, ठीक है। चलो कार्ड की पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कार्ड देखते हैं जो आपका निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत डिजास्टिक चेंज मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपका कोई डिसीजन लेना होता है आपके साथ, कहीं एग्जाम्पल देता हूँ, कहीं अगर आपको घूमने भी जाना है ना तो ये किसी से परमिशन लेता है क्या हम दोनों चले जाएं, काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना ममाज बॉय काइंड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है ना कहीं अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है और उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसकी कमी बहुत ज्यादा है और एक कान का कच्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दूसरों का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत जल्दी होता है। ये भले ही अपने वर्क स्टेशन पे कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना अच्छा इनकम या अर्निंग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ये इंसान कान का कच्चा है और कहीं ना कहीं दूसरों के इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आ जाता है। और यदि आप किसी लेवल अपने सॉरी मैरिड रिलेशनशिप में है तो बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि इसकी सिस्टर हो आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना एक जो घर को होल्ड करके रखती है लेडी, इसकी मदर या सिस्टर इस तरीके की है जो कि इसको पूरा जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश करना कहीं ना कहीं। हो सकता है कि आपके आपके साथ इनके फैमिली वालों के टर्म्स अच्छे ना हो, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट सीजन का प्रॉब्लम हो, सकता है आप दोनों के बीच में कोई लेवल हो कि फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर कोई बीच में गैप हो सकता है दोनों के बीच में, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अपने डिसीजंस किसी और के ऊपर थोप रखे जो उनका आंसर होगा उस वे में कहीं ना कहीं चलेंगे। उसके लिए भले इन्हें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो कर देंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहने को वो आप हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें अपने दिमाग से भी करो, कुछ चीजें अपने लेवल पे भी करो कहने के, लेकिन इस इंसान को भी सिखाते हैं ना कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस आपकी बातों का असर नहीं हो रहा, इसको कहने के लगता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपका प्यार नहीं देख रहे, मन में चीजें हैं फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली उन्होंने क्या मैं बोला ना उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है, उनकी फैमिली ने उस इस तरीके से उनके कान भर रखे हैं आपके खिलाफ, क्योंकि इस इंसान ने आपके बारे में घर पे बात कर रखी है। यदि आप एक लिव इन में है शादी करना चाहते हैं तो इसने आपके बारे में घर पे बात कर रखी है, क्योंकि आपके बीच में जो मैंने डिफरेंसेस बताए वो डिफरेंसेस हो सकते हैं। यदि आप एक मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपका और आपके इन लॉज का रिलेशन स्टार्टिंग से कुछ ऐसा रहा हो, अटपटा रहा हो, आपस में कोई क्लैशेस रहे हो आपके इन लॉज के बीच में, जिसके कारण कहने के वो चीज रिवेंज लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको उससे अलग करना चाहते हैं, और वो अपने बेटे को साफ बोलते हैं कि तुम इस छोड़ो तुम्हारी नई शादी करवा देंगे, कहने के कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिसके कारण आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेस एनर्जी में हो, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इस इंसान के साथ
बहुत टाइम से हो किसी इंसान से, अगर मैं करूंगा अगर 2 साल ही बंदा इंसान किसी से रह लेता है ना, उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, उस अटैचमेंट से आप नहीं हट पा रहे हो। और करंटली देखा जाए तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इन झगड़ों के कारण अपने घर, अपने जैसे होता है ना अपने शादी के बाद आप अपने घर चले जाते हो, लाइक अपने मदर के घर चले जाते हो, क्योंकि आपके बीच में क्लैशेस इतने हो गए हैं, आप उस चीज को झेल नहीं पा रहे हो, उसको वहां पे आपको रहते हो कहीं ना घुटन महसूस हो रही है कहीं ना इन चीजों को लेके। तो आप हो सकता है अपने ससुराल को छोड़ के कहने के आप अपने आप पीहर चले गए हो, वहां पे रह रहे हो, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत क्या पता है मैं उससे दूर रहूंगी तो क्या पता उसके थोड़े अवेकनिंग हो, उसके अकल आए कि मुझे अपने वाइफ के साथ भी रहना है, तो हो सकता है वो आए। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ऐसी चल रही हैं कि उसको दिमाग में तो आता है कि नहीं मुझे आपको वापस लेकर आना है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर से जो कार्ड निकला जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला जो कि उसके मदर फिर से उसको इन्फ्लुएंस कर देती है कि कोई जरूरत नहीं जाने की, अपने आप आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं वहां रहने दो। तो ये चीजें उसके कान में भरी जा रही हैं, जिसके कारण से कहते हैं ना कि वो इंसान खुद डिसीजन ना लेके, कार्ड निकला 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला जो कि शायद जो कहते हैं ना एक ग्रहण का कारण, अभी आपके एक रिलेशनशिप पे ग्रहण लगा हुआ है जो कि उस ग्रहण को निकालना है। ग्रहण देखो इंडिया लगता है तो उस ग्रहण का एंड भी होता है, उस ग्रहण भी कहीं खत्म होता होगा हर हाल में, क्योंकि आपके पार्टनर के बीच मन में ना बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत से फीलिंग्स सप्रेस करके बैठा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जितना टाइम आपके सर रहा है प्यार नहीं करा, प्यार आज भी आपसे बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि इंसान किसी ऐसे चक्री में फंस जाता है कि इंसान डिसीजन नहीं ले पाता कि करना क्या है। अब उसके फैमिली वाले उसके दिमाग में इस तरह से जिसे कहते हैं नेगेटिविटी डाले जा रहे हैं, तो वो अपने आप को यूज नहीं कर पा रहा, अपना ब्रेन यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन और इस कंडीशन देखी जाए तो इस समय आपके पार्टनर की अपने उसके थॉट्स में उसको इस तरीके से बांध दिया गया है कि वो अपने चीजों को देख नहीं पा रहा है, अपने आंखों पे जान की पट्टी बांध रखी है, रास्ता क्लियर है लेकिन उसके साइड में जो ऑब्स्टेकल्स इतने खड़े हुए हैं ना कहीं ना कहीं, वो जो ऑब्स्टेकल मतलब कि जो उसके जिन लोगों का आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस है, वो लोग उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। लेकिन यदि आपने ये फेज निकाल लिया तो कार्ड निकला यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकला, ये एक फेज चल रहा है आपका जिसे एक बैड फेज आप बोल सकते हो कि जहां पे इंसान टूट जाता है बिल्कुल। यदि आप अपने आप थोड़ा सा भी यहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखते हो तो आई कैन गिव यू गारंटी कि आपके पार्टनर आपके लिए हर हाल में स्टैंड लेंगे, इसकी अवेकनिंग होगी, इसकी आंखें खुलेंगी कि वो जिसके साथ ऐसे कर रहा है वो चीज उसे दोबारा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी अगर एक बार हाथ से निकल गई तो। कहने की उसको वो जानते हैं कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, कहीं ना कहीं चीजें आएंगी दिमाग में बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कार्ड जो मेरे पास निकला यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का निकला जो कि शो करता है कि रहना उसने आपके साथ ही है, हर हाल में आपके साथ फैमिली है उसके साथ, लेकिन कहीं ना कंडीशन अभी इस समय से चल रही है जो कि आपके लिए अनफेवर है, जो कि आपको एक नेगेटिव थॉट्स में डालते हुए दिखाई दे रही है, आप एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर के दिमाग में तो नेगेटिविटी बहुत सारी है लेकिन कहने की वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको ना कोई राह नहीं मिल रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि आप ऐसी ही एनर्जी में स्टक हो गए, आपको यहाँ पे ना आपके हस्बैंड का साथ है ना आप अपने साथ आप दे पा रहे हो, आपका दिमाग ही आपका साथ नहीं दे पा रहे, आप सोचने के उसमें नहीं हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर एक जो इन्फ्लुएंस डाला गया जो नेगेटिविटी डाली गई है ना बहुत हैवी नेगेटिविटी है, जब तक वो नहीं हटेगी तब तक इंसान आपके पास वापस नहीं आ पाएगा। तो देखो अगर आप ये नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, देखो ये क्रिस्टल होता है ये ब्लैक ऑफिडियन क्रिस्टल है, यदि ये क्रिस्टल आप अपने पार्टनर और अपने नाम से एनर्जाइज करा के अपने हाथ में पहनते हो ना तो 100% गारंटी देता हूं कि आपके पार्टनर के ऊपर से नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है वो हर हाल में हटेगा, ठीक है, उसकी अवेकनिंग होगी, वो अपने थॉट प्रोसेस से अपने आप सीख पाएगा, अपने आप समझ पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये चीज लेना चाहते हैं आज ही मुझे कॉल व्हाट्सएप करके आप ये अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं ताकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो, ताकि आप दोनों के बीच में एक फिर से एक नया चैप्टर लिखा जा सके, नया एक बिगनिंग हो सके आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो लोगों का इंटरफेरेंस है ना कहने के वो चीज आपको परेशान कर रही है, वो चीज आप दोनों को अटैच नहीं होने दे रही है, ठीक है। यदि आप अपने पार्टनर को वापस अपने लाइफ में खींचना चाहते हो आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को, उसको लाने के लिए कहीं स्पेल्स होते हैं, स्पेल्स करने पड़ेंगे, क्रिस्टल्स का सहारा मैंने आपको बताया दी, क्रिस्टल्स यदि आप अपने हाथ में पहनते हैं ब्लैक ऑब्सीडियन का तो हर तरह की नेगेटिविटी आपके पार्टनर के ऊपर से हर हाल में रिमूव हो जाएगी और आपका पार्टनर फिर से आपके पास एक फैमिली जैसे कहते हैं एक हैप्पी फैमिली तरह आपके साथ एक लाइफ स्पेंड हर हाल में करेगा, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, रीडिंग को यदि आप रेजोनेट हुई है यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन पावर लिखना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।